तो गाइस लास्ट वीडियो के अंदर मैंने ये क्लियर करा था कि आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो कब तक यहाँ पर हो सकता है, बिकॉज लास्ट नाइट जो है यूजीसी ने एक गाइडलाइन जारी करी है और उस गाइडलाइन के रिगार्डिंग आपके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है, चाहे वो यूजी के हो चाहे फिर वो पीजी के हो, सभी के जो एग्ज़ाम है वो 30/9/2021 तक कंप्लीट होने हैं। यानी कि जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो सितंबर लास्ट तक आपका होना है, ये तो तय हो चुका है। देखिए यूजीसी वो है जो कि इंडिया के अंदर जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनके लिए गाइडलाइन तैयार करती है। सो यूजीसी ने यहाँ पर बोल दिया है, इसका मतलब आपके जो एंट्रेंस एग्जाम है वो सितंबर लास्ट तक आपके हो जाएंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि आपका जो एग्जाम है वो जेएनयू का होना है, ड्यू का होना है, बीएचयू का होना है और इन सभी का जो एग्जाम है वो एनटीए करवाने वाला है, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ओके, तो क्या आपका जो डेट है वो क्लेश होगा? कई सारे स्टूडेंट कह रहे थे कि सर अब एग्ज़ाम जो है फॉर्म जो है जल्दी आएंगे, उसके बाद जो है एग्ज़ाम होगा तो हमारा एग्ज़ाम क्लेश तो नहीं होगा ना, यानी कि एक ही दिन तो जो है एग्ज़ाम नहीं होने वाले हैं। तो देखिए आपका जो एग्ज़ाम है वो एनटीए करवाने वाला है, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। सो एनटीए जो आपका डेट है वो अलग अलग देगा। इसके रिगार्डिंग हर साल जो है एनटीए अपना एक एकेडमिक कैलेंडर जारी करता है। सो इस साल भी मुझे लग रहा है कि आपका एकेडमिक कैलेंडर यहाँ पे एनटीए जारी करेगा, जिसके अंदर ड्यू का एग्ज़ाम कब होगा, बीएचयू का एग्ज़ाम कब होगा। इस बार ये आ चुका है कि बीएचयू का जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पे एनटीए कंडक्ट करवाने वाला है ना। इसी तरह से जेएनयू का एग्ज़ाम आपका कब होगा, उसका जो डेट शीट है एनटीए रिलीज करेगा गाइज। तो ये तो यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो सितंबर लास्ट तक होगा। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर कि जो आपके एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब तक जेएनयू रिलीज करेगा। देखिए अब जेएनयू नहीं भाग सकता इस चीज़ से, क्योंकि यूजीसी ने बोल दिया है, इसका मतलब इन लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म तो काफ़ी जल्दी यहाँ पे रिलीज़ करना पड़ेगा। तो अगर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा देखें कि जेएनयू कब तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पे रिलीज़ कर सकता है, तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है जेएनयू ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने के लास्ट तक लेके जा सकता है। इस महीने के लास्ट तक जो है जेएनयू को अपना एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ करना पड़ेगा। इसी के साथ जो बीएचयू है वो भी अपना एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर रिलीज़ करेंगे। ये डेट में जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता रहा हूँ, हो सकता है कि विद इन वन वीक की आपको एप्लीकेशन फॉर्म देखने को मिल जाए। ड्यू ने अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म का डेट है वो रिलीज कर दिया है, अब रिलीज करना है जेएनयू को। सो जेएनयू जल्दी ही इसका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज करेगा। अब इस वीडियो के थंबनेल में आप देख रहे होंगे कि मैंने लिखा है बिग अनाउंसमेंट। तो बिग अनाउंसमेंट गाइज ये है कि आप लोग जो है एंट्रेंस एग्जाम के लिए कैसे तैयारी करेंगे और इसका पैटर्न वगैरह क्या होता है, वो सारी जो चीजें हैं यानी कि आपकी जो तैयारी है वो आप कैसे करेंगे। आपके पास जो है यहाँ पे 60 डेज़ है, यही जो 60 डेज़ है आपको जेएनयू लेके जाएंगे। तो ये जो 60 दिन का टाइम है, इस 60 दिन के टाइम को जो है आपको सही यूज़ करना है, और ये अगर आप ऐसा करते हो तो आपको जो है श्योर जेएनयू में सिलेक्शन आपका देखने को मिलेगा। तो गाइज जो है अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए ये है कि जो हमारे फ्री मॉक टेस्ट है जो कि हर साल होते हैं, चाहे वो यूजी के लिए हो चाहे पीजी के लिए हो, तो वो आपके जो है यहाँ पे फिर से स्टार्ट होने वाले हैं। तो आप उनको कैसे देंगे, यानी कि जो फ्री मॉक टेस्ट है वो आपको कैसे यहाँ पे देखने को मिलेंगे? तो देखिए फ्री मॉक टेस्ट के रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहाँ पर मैं आपको इंडिया की जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उनका इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं। तो आप लोग जो है वहां से फॉलो करें, वहीं पे जो है आपको फ्री मॉक टेस्ट का इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अब मैं बात करता हूं उन स्टूडेंट के लिए जो कि जामिया का एग्जाम देने वाले हैं, उनका एग्जाम काफी नजदीक यहां पे आ गया है, ठीक है। तो कोरिया का जो अपना मॉक टेस्ट है वो 27 जुलाई को होने वाला है, तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल रहा है, वहीं पर जो है आपको इसका इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा गाइस। ओके, अब मैं बात करता हूं कि आप लोग अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर कैसे बना सकते हैं, तो हमारे ऑनलाइन कोर्स में आप लोग जुड़ सकते हो। ऑनलाइन कोर्स हमारा स्टार्ट होने वाला है एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होने के 5 दिन बाद में, यानी कि बीए के लिए हमारा अभी भी जो लास्ट बैच था जो कि 10 जुलाई को स्टार्ट होने वाला था, उसको हमने पोस्टपोन करा और अभी भी जो है उसमें एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है। आप लोग उसमें एडमिशन ले सकते हो, अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हो। उसमें हम लोगों ने हमारा जो टारगेट है वो ऑलरेडी उसमें सेट कर रखा है, उसमें आपका पूरा
सिलेबस, आपके मॉक टेस्ट, आपकी टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग सब कुछ उसके अंदर रहने वाला है। तो आप उससे जुड़ सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं, किसी भी नंबर पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हो, आपको एडमिशन के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन सेंड कर दिया जाएगा गाइज। ओके, सो गाइज आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही था। मैं आपसे यही कहना चाह रहा था कि सपने वो नहीं होते जो आप बंद आंखों से देखते हो, सपने वो होते हैं जो आप खुली आंखों से देखते हो। तो अगर अभी तक आप सो रहे हो तो जग जाओ, क्योंकि अब एग्जाम होने वाला है। मैं आपसे यही चीज कह रहा हूँ गाइज। ओके, सो आज के इस वीडियो में इतना ही।